और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू सर। मे आई मेक वन रिक्वेस्ट, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्वागत है, क्योंकि राहुल जी ने सुओमोटो में 3 किसान बिलों की आपसे चर्चा की है, पहले उससे जुड़े सवाल ले लें और फिर कोई और प्रश्न हो तो वो लेंगे। रमन जी फ्रॉम न्यूज 24, सर आई हैव नोटेड डाउन, आई एम गोइंग टू कम टू एवरीथिंग। किसान के 3 अध्यादेश के, देखिए बात क्या है, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया, फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया, मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं थी, कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है ये देश। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहा है। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है, एक व्यक्ति आपको कह रहा है फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में यह लड़ाई जीती जाएगी।